एक बार एक सेठ जी ट्रेन में, एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा, प्यास लगी। अच्छा, प्यास तो लगी थी, इतने में एक पानी बेचने वाला निकला युवक, हाथ में ग्लास है छोटे छोटे पानी के ले रखा है। महाशय ने पूछा पानी कितने का दिया, उसने कहा 1 रुपए का एक ग्लास। उन महाशय ने कहा बताओ पानी नहीं हो गया सोना हो गया है, 1 रुपए का एक गिलास, इतनी महंगी चीज, ऐसा तो नहीं हो फ्री की चीज है तुम लोग ग्लास में भर लेते हो, बेचना शुरू कर देते हो। अच्छा, इतना कुछ उनने बोला पर युवक ने एक भी शब्द नहीं बोला, बस जाते जाते वो मुस्कुराया। सामने ही सीट पर एक संत बैठे थे, संत ने जब उस युवक की मुस्कान देखी, बड़ी रहस्यमय सी मुस्कान थी उसकी, उनसे रहा नहीं गया, अभी ट्रेन स्टेशन पर रुकने वाली थी, वो खुद उतरे गाड़ी से, युवक को बुलाया, बेटा सुनना जरा। जी महाराज, आपको पानी दूं क्या? कहा पानी नहीं चाहिए, उत्तर चाहिए। किस बात का उत्तर? आपने तो मुझसे कोई प्रश्न ही नहीं किया। संत ने कहा किसी प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए, ये जो तुम आखिरी में मुस्कुरा करके निकले हो, तुम्हारी उस रहस्यमय मुस्कान का जो 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 वजह है, जो कारण है, मैं वो जानना चाहता हूं। युवक ने कहा महाराज ऐसा कुछ नहीं है। संत ने कहा नहीं, कुछ तो बात है, तुम यूं मुस्कुरा कर निकले, तुम चाहते तो तुम भी उनके एक बात के बदले 2 बात दे सकते थे, पर तुम कुछ बोले नहीं, कुछ तो मोल तोल कर लेते, कुछ कम ज्यादा कर लेते, तुम्हारा घाटा नहीं होता। उसने कहा महाराज मोल तोल की बात तो तब आती है जब व्यक्ति उस चीज को पाने का इच्छुक हो। इच्छुक हो? अरे उन्हें तो प्यास लगी थी, तुम मोल तोल करते वो क्यों नहीं मानते? युवक ने कहा महाराज यही तो बात है, उन्हें प्यास ही तो नहीं लगी थी। क्यों प्यास नहीं लगी थी? यदि प्यास नहीं लगती तो क्या तुमसे आकर पूछते कि कितने का दिया, कैसा दिया? महाराज प्यास नहीं लगी थी, वो बस जानना चाहते थे, उनके अंदर जानने की प्यास थी, प्यास वाली प्यास नहीं थी, वो बस मोल भाव जानना चाहते थे। तुम ये बात इतनी दृढ़ता से कैसे कह सकते हो? उसने कहा महाराज जो व्यक्ति प्यास से तड़प रहा होगा ना, वो व्यक्ति मेरे पहुंचते ही सबसे पहले ग्लास उठाता, पानी पीता और तब मुझसे कहता बोल भाई तुझे कितना देना है। आप यदि कहीं आप ऐसे रास्ते में फंस जाएं, कड़ी धूप हो, आप प्यास से आपका कंठ सूख रहा हो और आपके पास यदि 10,000 रुपए हो और कोई व्यक्ति के पास 1 बोतल पानी हो और उस भरे रेगिस्तान में आपको पता है आगे पानी नहीं मिलने वाला, आप उस व्यक्ति से कहो भैया ये पानी दे दो, वो कहे मैं नहीं दूंगा, ये जितने पैसे तुम्हारे पास हैं 10 के 10,000 दे दो तब मैं दूंगा। और जब वो प्यास से आपका गला सूखेगा, लगेगा प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, आप बताइए आप 10,000 का मुंह देखेंगे कि अपने प्राणों को आगे बचाने का प्रयास करेंगे? हर व्यक्ति यही सोचेगा भैया जान है तो जान है दे दो। महाराज यदि उनको प्यास होती ना तो मुझसे दाम नहीं पूछते, पहले ग्रहण करते बाद में दाम पूछते, प्यास नहीं थी। ठीक मैं वही बात आपसे निवेदन करूं, इस श्री राम कथा के लिए भी प्यास होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए। इस भावना से नहीं पधारना है कि हाँ नीटू भैया जी ने दिया है, इनवाइट किया है, या वीरेंद्र भैया ने इनवाइट किया, या आयोजन समिति के किसी ने बुलाया है तो जाएं, चले जाएं हम भी। अगर आप उनको दिखाने आ रहे हो तो कछु फायदा नहीं है। ये तो वही बात हो गई, जैसे अब ये शादियों का समय चल रहा है, कुछ लोग बस जाएंगे, वो शादी नहीं देखेंगे, विवाह नहीं देखेंगे, वो कन्या के माता पिता को ढूंढेंगे कि वो हमें देख ले कि हम आए हैं, उनने देखा बस तुरंत निकल गए। इसको क्या कहते हैं? एक औपचारिकता निभाना। पर आप स्वयं विचार करें, भगवान के सामने औपचारिकता निभाना कहां तक ठीक है, कहां तक उचित होगा? उनसे औपचारिकता दिखा के हम कर भी क्या लेंगे? ठाकुर जी को तो मन के भाव चाहिए, आप तन से क्या कर रहे हो? आप मिलो ना मिलो, तन का भाव क्या है और तन का भरोसा क्या?